शेगांव की कचौड़ी है। शेगांव की कचौड़ी है। शेगांव कहाँ पे है? शेगांव सर गजानन महाराज का बहुत अच्छा गांव है, अकोला के पास आता है। ये आपका अलका उपाग्रह कब से है यहाँ पे? कम से कम 65-70 साल से। ये तो पीछे तस्वीर लगी हुई है कब की? वो हमारे दादा की है, 65 साल हो गए करीब। तब हमारे दादा बैठते थे, जैसा मैं यंग हूँ वो तब वो बैठते थे, अभी मैं बैठ रहा हूँ। बाद में वैसा दादा के बाद में हमारे पिताजी बैठते थे, अब हम बैठते यानी तीसरी पीढ़ी चालू है समझो। तो आपके यहाँ नाश्ते का सामान मिलता है? नाश्ते का सामान समोसा, आलू वड़ा, कचौरी, सांभर वड़ी, भेल, मिर्ची के पकौड़े। इसको क्या बोलते हैं? इसको सांभर वड़ी। मतलब सांभर वड़ी मतलब? सांभर वड़ी मतलब इसमें मसाला रहता है, जैसा आप कचौरी वगैरह जैसी रहती है ना वैसा मसाला इसके अंदर रहेगा। इसके साथ में चाहे तो सॉस या फिर तली हुई मिर्ची इसके साथ खा सकते हैं आप। मसाला उसके अंदर सेंगदाने और वो दालवा रहता ना जो चूड़े में डालते ना, वो डालते उसको पीस के। ये आपका आलू का समोसा है? आलू का समोसा है। इसका मसाला बनाते पहले, बाद में उसका पेस्ट बनाते। जैसा इसका आलू गुंडे का मसाले का पेस्ट बताए ना वैसा इसका पेस्ट रहेगा। और ये कचौड़ी है? कचौड़ी है। ये दाल कचौड़ी है? दाल कचौड़ी, इसके अंदर थोड़ी दाल और बेसन मिक्स करके रहता। लेकिन ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं वो मिर्ची भजिया खाने आते हैं। मिर्ची भजिया खाने ऊपर सबका बनता रहता है? बनता रहता है कंटिन्यू। मैंने बनते हुए देखा आपका जो हरी मिर्च है वो मतलब मोटे वाला नहीं है, मोटे वाला वाला ही है, मीडियम साइज मतलब कहा जाए सर, ताकि पूरा खा सके, कोई फेंकेगा नहीं मिर्ची, इतनी अच्छी मिर्ची रही थी। और सर बेसन में मिला के फिर तल देते हैं इसको? खाली बेसन। कई जगह क्या करते हैं, थोड़ी मोटी मिर्ची लेते हैं उसके अंदर मसाला वगैरह भरते। हमारे यहाँ पे वैसा नहीं बनाते क्योंकि क्वांटिटी में बहुत बिकता हूँ। और ये अपना आपका सिनेमा हॉल है यहाँ पे, शिवराम थिएटर? शिवराम थिएटर। अच्छा, ये भी चलता है अभी? ये अभी हाँ चलता तो नहीं लगा हुआ है, ठीक ठाक है समझो। पहले जैसा नहीं चलता, पहले तो लोग ऐसे इंटरवल होता हुआ लोग आके खाते होंगे। इंटरवल में इतनी भीड़ रही थी, कम से कम एट ए टाइम 25 लोग, जैसा ये फोटो में बताया है ना, लोग 25 लोग खड़े रहते थे कम से कम। पूरे जैसा इंटरवल हो गया क्या, पूरे लोग इधर आते थे। हमने भी ऐसी पिक्चरें बहुत देखी हुई है, पिक्चर देख के इंटरव्यू निकले, मूंगफली ले गए, कभी समोसा ले लिया अपना, बस अंदर में कोई ट्रिंग ट्रिंग बजाया, वही बात थी। ये सब मज़ा खत्म हो गया, अभी मज़ा खत्म हो गया। अब सब जगह मल्टीप्लेक्स आ गया, मल्टीप्लेक्स आ गया करके इधर का माहौल थोड़ा कम हो गया। अब यही की थिएटर है यवतमाल, यही है शिवराम, यही थिएटर है शिवराम। इससे पहले हमारी होटल जो है ये यहाँ पे थी तकिज के अंदर, ये हमारे पिताजी की अड़ाई थी। ये जो ऐड है ना ये पिताजी के, हमारे मिर्ची भजिया के फेमस। सर हमारे लिए एक समोसा और दो मिर्ची बड़ा दे दीजिए। ठीक है ना, बना देते। लजीज चीज है वो, मैं खा लिया मेरा मिर्ची भजिया। मिर्च तीखा है इसमें? हाँ मीडियम तीखा आएगा। हाँ और बहुत पसंद आएगा वो। और बाहर से जो ये ऊपर से बेसन का लेप लगाया गया है बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी है। क्या बात। ये समोसा, उसके ऊपर में काला चना, हरा मटर, हरे प्याज, फिर प्याज और चटनी और दही है। आलू का समोसा है, लजीज। वाह। तो जो समोसा का मसाला है, आलू का मसाला, वो प्लेन है? हाँ। उसके ऊपर चटनी जो डाली गई है, मटर ऐसा डाला गया है, हाँ। उसका फ्लेवर से? फ्लेवर से पूरा। और खाने के हिसाब से जो चीज़ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस हिसाब से अपने आप को अपडेट करते करते काम करते हैं। टमाटर सॉस और दही यानी हर चीज़ इसमें है, ज़्यादा लगता है ये अच्छा है। इसमें के जो ये कैरमलाइज्ड प्याज, फ्राइड प्याज डाला हुआ है इसमें। अच्छा सर, थैंक यू। थैंक यू, आइए। बिल्कुल, बाय। आपका नाम क्या है? नितिन उमेश चंद्र त्रिवेदी। तो आपका दुकान का नाम नागपुर वाला? हाँ। एक्चुअली कैसा था कि अपनी दुकान जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है, तो उस टाइम में अपनी शॉप का नाम था स्वधर्म रक्षक हिंदू होटल।
अब उसको बहुत साल हो गए और ये नाम भी थोड़ा सा कैसा कास्टिज्म के हिसाब से थोड़ा सा ये लग रहा था, तो हमने उसको चेंज किया। तो फिर धीरे धीरे लोग बोलते थे कि आप नागपुर से आए, नागपुर से आए, इस तरह से फिर वो नागपुर वाला होता चला गया और बाद में फिर वो नाम नागपुर वाला हो गया। और ये मेरे दादाजी के जो पिताजी थे उनके ज़माने से चलते आ रहा है। तो शोभा राम जी त्रिवेदी जो थे उन्होंने ये होटल स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी और दो चाचा जी थे, उन तीनों ने भी इसको फॉरवर्ड किया और उसके बाद अभी भी मैं संभाल रहा हूँ। इसको हो गया अपने को तकरीबन 83 ईयर्स। काफ़ी पुरानी दुकान है। हाँ अच्छा, आपको कैसा लगता है यवतमाल? बहुत अच्छा है। यवतमाल कैसा है, एक्चुअली यवतमाल हमारा रिटायरमेंट सिटी है। जनरली जो भी लोग बाहर जॉब करने जाते हैं वो रिटायरमेंट प्लान यवतमाल में करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, मकान रखेंगे, इस तरह से फिर उनका प्लानिंग चलता है। उसी हिसाब से यवतमाल बहुत शांत है। कहते हैं किसी ज़माने में विंटर कैपिटल होता था यवतमाल। पहले कैसा था, यहाँ पे कपास की गाड़ियाँ वगैरह लगती थी, तो उस टाइम में अपने पूरी भाजी वगैरह भी बनता था। अभी वो सब चेंज हो गया, जैसे जैसे चेंज हो रहा था वैसे वैसे अपना टेस्ट भी। पहले कैसा हम बैठा के खिलाते थे, टेबल लगते थे, अभी कोविड के बाद सेल्फ सर्विस हो गया। तो जो आपके यहाँ जो स्नैक्स मिलता है यहाँ पे, समोसा, सांभर वड़ी, कचौरी, ये सब पूरे दिन चलता है? हाँ पूरा दिन चलता है। दोपहर के बाद पकौड़े और पापड़ा रहता है और दिन में समोसा, कचौरी, आलू बुंदा, समोसा, सब्जी, सुबह सुबह पोहा रहता है, पोहा मोट वगैरह आपको सब मिलता है। ये जो सांभर वड़ी है हमने तो अभी खाया नहीं है, फर्स्ट टाइम देखा है उसमें शॉप पे। वो छोटी सी स्प्रिंग रोल की तरह वो गोल वाला रहता है। एक्चुअली ये बेसन वड़ी है, इसको भाकर वड़ी जैसा बोल सकते हैं आप। इसमें मैक्सिमम आपको बेसन मिलेगा और थोड़ा तीखा रहता है। इसको आप रोटी के साथ ट्राई कीजिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेसन वड़ी बोलते हैं? हाँ बेसन वड़ी बोलते हैं। तो ये आलू बोंडा आ गया, ये आलू बोंडा आ गया। अब वो क्या है, कॉर्नर में रखा हुआ है? वो उधर दही वड़े के वड़े हैं जो अभी भीगा के लाया उन्होंने। जी जी जी। और वो फिर इधर उसमें दही में उसको भीगा के रखेंगे, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, दही वड़ा भी बहुत अच्छा है। मैं ये खाऊंगा बेसन वड़ी। हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिए, एक बेसन वड़ी और चाय। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा सांभर वड़ी और रस्सा, चलेगा रस्सा। हाँ दीदी, सांभर क्या होता है? सांभर और कोथमीर भी वही होता है। हाँ। और ये बेसन का मसाला है, साथ में सिंग दाना भी है। छाछ वो खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा, आप उसको उसके साथ खाइए। और अगर आपको तीखा चाहिए तो तीखा फ्लेवर के लिए ये रस्सा है, इसमें चना मिलेगा आपको। हाँ। मीठापन भी है। हाँ, और तीखा मीठापन भी। और किसी को और मीठा चाहिए तो ये छाछ लेगा वो, और तीखा चाहिए तो चना मसाला लेगा। आप छाछ लीजिए साथ में, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस चीज़ का। छाछ के साथ? हाँ मिर्ची, मिर्ची। क्या बोलते हैं इसको आप? बशी। बशी? हाँ कप बशी। कप बशी। हाँ इसको इसमें डाल के इसे ठंडा करके पी सकते हैं। वैसे अपन ने काफ़ी समय हुआ बुलाया तो अपने को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ चाय कैसा लगा? फुल दूध की चाय है, इलायची वाली। इतने सालों से उसी के लिए ही प्रसिद्ध है। ये स्लेट होता है, इस पर हम दिन भर का हिसाब लिखते हैं। ये चीज़ सिर्फ हमारे यहाँ और एक सरदार का ढाबा है हमारे यवतमाल में, इन दोनों के ही होता है और कहीं होता नहीं। और ये दादाजी के ज़माने से चल रहा है तो तब से हम चला ही रहे हैं। मैं देखा है कई जगह पे क्या होता है कि जो टेबल होता है हाँ उस पर भी घिसते रहते हैं। हाँ उस पर भी घिसते रहते हैं, ये ढाबों पे जनरली होता है। लेकिन फट काम होता रहता है, भीड़ होती है तो इतना हिसाब करने का समय नहीं होता, तो उसी पे एंट्री मारते चलते हैं। सही, ठीक है, चलो। थैंक यू भैया। थैंक यू। नमस्कार दत्ता बाबा। नमस्कार। आपके माल्टोवा मिलता है? हाँ जी। चाह? चाह और कॉफ़ी और साथ में स्नैक्स है। हाँ। कब से है आपका दुकान? अपने 40 साल हो गए। और शुरू से चलता आ रहा है माल्टोवा? शुरू से चलता है। तो माल्टोवा ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं कि सब हमारे एज ग्रुप के लोग भी पीने आते हैं? नहीं सभी एज ग्रुप ज़्यादा एक साल पीते, बच्चे से ज़्यादा आदमी ज़्यादा पीते हैं। बड़े ज़्यादा, बड़े ज़्यादा पीते हैं। हाँ जी। तो कैसे शुरुआत की माल्टोवा की, मतलब? ये शुरुआत बोले तो थोड़ा सा ये यहाँ पे बाजू में मिलता था, वो ला के देखा हमने, लोगों को पसंद आते गया, वैसा वैसा बढ़ते गया वो। और वो अभी
एक किलो दो किलो ऐसा करते करते 10 किलो तक बढ़ गया था। अभी एकदम डाउन हो गया लॉकडाउन से। कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि चाय में माल्टोवा मिला के? जाहिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं पीने वाले हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं देखा है ऐसा ही, तो जितने भी मॉल्ट एक्सट्रैक्ट वाले ड्रिंक्स होते हैं ना उसको लोग चाय में मिला के पीते हैं, तो उसमें गाढ़ापन आ जाता है, थोड़ा कैरेमल फ्लेवर आ जाता है। हाँ जी सही। चलिए अच्छा है दत्ता भाव, हमारे लिए भी, हम तीनों के लिए ठीक छोटा ग्लास माल्टोवा बना दीजिए। हाँ पहले तो हम माल्टोवा पियेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि आप कौन से पिक्चर में आपने एक्टिंग की है? मराठी पिक्चर। मराठी पिक्चर में? क्या नाम है पिक्चर का? पोट्टेशाही। पोट्टेशाही, उसमें क्या रोल है आपका? हीरोइन के साथ में हीरो के घर पे जाने का, फिर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे। अच्छा लगा, मजा आया। हीरोइन की बहन है सर ये उसमें। अच्छा हाँ। अब ये है हमारी ड्रिंक माल्टोवा। माल्टोवा यस। चलो चीयर्स करते हैं हम लोग। वाह, तो फुल ऑन मलाई के साथ है, तो बहुत यमी है। है रिद्धि, कैसा लगा? रिद्धि कैसा लगा भैया? अच्छा है, वंडरफुल। वैसे छोटे चाय के कप्स में माल्टोवा मिलता है पीने को, मतलब माल्टोवा जो बना है वो मॉल्ट से बना है, मतलब इसमें मॉल्ट एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, है? और चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर अच्छा, एक कैरेमल फ्लेवर है इसमें। वाह एकदम मस्त है। ये मलाई खत्म होने के बाद आपको टेस्ट और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा दत्ता भाव धन्यवाद। धन्यवाद, फिर मिले। कैसा लगा टेस्ट? अच्छा। अच्छा कुछ हटके चीज़ें है सर, ये नहीं आपको कहीं बाहर ज़्यादा नहीं मिलेगी। खट्टा मीठा, ये चूड़ा अलग है, मतलब जो मैंने चूड़ा देखा है फ्राइड में वो पातला चूड़ा होता है। हाँ, पतला वाला। हाँ ये हटके है कुछ, ये वो वाला चूड़ा नहीं है, ये अलग है सर। और इसको मतलब ऐसे ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, भेलपूड़ी झालमुड़ी उस टाइप में बनेगा ये। हाँ बस इसमें चटनियाँ नहीं है। नहीं बाकी जो फ्राइड चूड़ा है वो तो मसालों के साथ फ्राई किया गया, सूखा चूड़ा है, ऊपर से उबले हुए मोट मतलब मोट की दाल जिसको हम लोग अंग्रेजी में ड्यू बीन्स बोलते हैं, वो है, मटकी भी बोलते हैं इसको। हाँ मटकी, मटकी मराठी में बोला जाएगा। यस सर। और उसके बाद फिर कटे हुए प्याज, हरा प्याज, और उसके बाद नींबू डाला गया और ये मिर्ची दी गई है। मिर्ची खाकर देखिए काफ़ी टेस्ट लगेगा उसका, तीखी नहीं लगेगी सर। पहले 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 चूड़ा खाता हूँ, साथ में फिर मिर्ची खाऊँगा। रिद्धि मिर्ची खा रही है भैया। हाँ यस। तीखा नहीं है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी चीज़ है। तले हुए नारियल के टुकड़े भी हैं, सिंगदाना है। हाँ चिप्स भी है। ये चीज़ जो है ना खाने में मज़ा आता है शाम में। हाँ जब हल्की भूख लगती है, साथ में एक कप चाय मिल जाए उनका नाश्ता हो जाता है। ये नाश्ते के हिसाब से चीज़ है सर। क्या होता है सर कि जैसा किसी के पास में अब भूख भगाना है और 10-20 रुपया है, तो वो ये चीज़ खा के अपना, यवतमाल में ये चीज़ों को काफ़ी दिक्कत है सर कि क्या है, बहुत ज़्यादा काम के साधन नहीं है, तो उस वजह से क्या है कि गरीबी है ज़्यादा, बहुत से लोग पेट भरने के लिए भी ये चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सस्ते में है सर, 10-20 रुपए का हो। अच्छा ये देखिए आपने गरीबी की बात की, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे जो नेग्लेक्टेड क्षेत्र रहा है वो विदर्भ रहा है। विदर्भ है और उसमें यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा। इसका रीज़न ये है कि यवतमाल पहाड़ पर है, तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पानी दे नहीं पाते फैक्ट्रीज को, इसलिए फैक्ट्रीज नहीं ला पाते। यवत तो माड़ का मतलब क्या है एक्चुअली? ये माड़ यानी कि पहाड़, माड़ के ऊपर है ये, तो इसलिए यवत माड़, माड़ यानी कि पहाड़, पहाड़ के ऊपर है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको घाट लगेगा और डीप जाना पड़ेगा, यवतमाल ऊंचाई पे मिलेगा आपको, यवतमाल के कोई भी साइड जाओ तो। विदर्भ जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में, वो जब भी न्यूज़ में रहता है तो एक चीज़ के लिए रहता है, जो बहुत ही दुखद हम लोग समाचार पढ़ते हैं दिल्ली में हर जगहों पर, कि किसानों की आत्महत्या को लेकर। तो ये बहुत यानी यहाँ रोजगार न होने से और काम की समस्याएं होने से ये चीज़ें होती है,
कि किसान जो कर रहा है उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है उसको, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक बिजली नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, ये समस्याएँ हैं हमारे साथ, यवतमाल के साथ ये समस्या काफ़ी एग्रेसिवली लेना पड़ता है इसको, और हम लोगों की काफ़ी डिस्कशन भी चलती है, लेकिन अब एक्चुअल कोई नेता मंत्री भी है और वो उसके पास में वो कर ही नहीं पा रहा है तो क्या करेगा। जैसे यहाँ पे एक हमारे जो इसके पहले के गार्डियन मिनिस्टर थे, उन्होंने अमृत योजना बोल के पानी लाने की कोशिश की, तो पानी 28 किलोमीटर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं आ पा रहा है, वो बार बार लीकेज हो जाना पाइप्स, वो इतनी दिक्कतें जा रही है, फिर भी वो कोशिश किए, 302 करोड़ रुपए की अमृत योजना लाई है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही, 7 साल से उस पर काम चल रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, लेकिन ये पहाड़ पे होने की वजह से बाकी सब चीज़ों की दिक्कतें होने से यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार ना होने से बाकी सब समस्याएं चलती है। स्पाइसी लग रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है खाने में, मैं देख रहा हूँ, फिर थोड़ा सा उठाया, यही मज़ा होता है, हल्का सा मिर्च लगता है, चमड़ा लगता है, थोड़ा और खा लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन सिर्फ में चीनी भी डला हुआ है, हल्का मीठा भी है, मीठा भी है, मीठा भी है, चलिए ये आशा है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा। अच्छा रोहन भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। ते मुरमुरा आओ, ये कच्चा चूड़ा, ये चना उठाना, चना मूंगफली, ये मिर्ची पाउडर, देखा हल्दी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये नमक, ये ऑयल आएगा आप, ये कौन सा ऑयल है, ये सोया ऑयल, ये टेस्ट के हिसाब से चटनी, लहसुन, हाँ लहसुन चटनी, शक्कर, आपको कैसे पता चलता है कि और कितना डालना है, कितना कम हो गया, ये कलर के हिसाब से, कलर के हिसाब से, हिसाब से पहचान ले जाओ कि कैसे क्या हो गया, तो जिसको बोलते क्या है, ये कच्चा चूड़ा बोलते हैं, कच्चा चूड़ा, हाँ, एक इसमें तो मुरमुरा भी है, चना भी है, मूंगफली भी है, मसाले भी है, ये सभी आइटम कच्चे रहते हैं, अच्छा इसलिए, हाँ, इसलिए कच्चा ना चूड़ा ना, मूंगफली भुना हुआ, मूंगफली भी कच्चा है, वो भी कच्चा है, अच्छा चना तो भुना हुआ है, हाँ वो भुना हुआ है, चना क्या बोलते हैं, फुटका, फुटाना, फुटाना, रोज में आप कितने बजे आ जाते हैं, 10:30-11 बजे आ जाते हैं, और कितने बजे तक रहते हैं, रात को 9 बजे तक रहते हैं, तो लोग पूरे दिन खाते हैं ऐसे, हाँ 12 महीने, मेरा चिवड़ा बहुत पसंद है लोगों को ना, हाँ यवतमाल में चिवड़ा ही फेमस है, और कितने का प्लेट देते हैं, ये 20 रुपये की, 20 रुपये का, हाँ चलिए 20 रुपये में अच्छा नाश्ता हो जाता है क्या, ये तो मतलब जिस तरह से सर्व करते हैं एकदम मुझे बचपन की याद दिला दी इन्होंने, ऐसे ही हम लोग बचपन में भूंजा लेते थे और खाते हुए अपना चलते रहते, ये कुप्पी बना के, मूंगफली दाना हो गया, भूंजा हो गया, और तो और घरों में भी कभी कभी शौक से बना लेते थे, ऐसा कुछ बनाया ऐसी कुप्पी बना ली, भर लिया और घर पर भी खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी है जो पूरा मिक्सचर बनाया गया है, मुरमुरा, चना, चिवड़ा, ये सब चीज़ें मिला के काफ़ी क्रंची है, करारापन है इसमें, साथ में लहसुन का बहुत उम्दा जायका है, चटपटा है, मसालेदार है, और अच्छा एक आपका स्नैक है, हाँ मतलब जैसे देखिए हर जगह पे वो होता है ना, कहीं पे भेलपूड़ी होता है, कहीं पे आपका भूंजा होता है, कहीं पे झालमुड़ी होता है, उसी तरह से ये आपका यवतमाल का कच्चा चूड़ा, कच्चा चूड़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा राहुल भाव, धन्यवाद, थैंक यू, कैसा लगा आपने चूड़ा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और चूड़ा भी बहुत अच्छा लगा।
ये जो दत्त भगवान है ये कौन से भगवान के रूप में? ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इन्होंने रूप धारण किया था, ब्रह्मा रूप में महेश है ये, तीनों देवता वो अनुसया का एक करने के लिए गए थे सत्व परीक्षा, तो उसमें फिर वो बालक बन गए थे, वो त्याच्यामधून दत्त भगवान झाले, ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ही जाऊ एकत्र आले। ये हम लोग सत्कार में आ रहे हैं, हमारे यहाँ की काफ़ी फेमस दुकान है ये मिठाइयों के बारे में और काफ़ी पुरानी दुकान है। तो भैया कब से आपकी ये दुकान? ये हमारा है 1982 से, 1982 से है, 42 ईयर्स हो गए। आपका नाम क्या है? अजय लोहाना। आप लोग शुरू से यहीं के रहने वाले हैं? शुरू से तो नहीं लेकिन 101 साल तो हो गए यहाँ पे। बस तो यहीं के ही हो गए फिर? यहीं के हो गए। तो उससे पहले 80 से पहले क्या काम था? इससे पहले रेस्टोरेंट ही था हमारा, मेरे दादाजी थे रेस्टोरेंट चलाते थे, होटल पहले तो होटल वगैरह ऐसा वो चलता था, 82 से ये स्टार्ट हुआ है। ऐसी कौन सी मिठाई है जो यवतमाल की प्रसिद्ध है जी, जो आपके यहाँ मिलती है? जी हमारे यहाँ की काजू कतली बहुत फेमस है सर, काजू कतली का प्रिपरेशन आपको ऐसा प्रिपरेशन कहीं नहीं मिलेगा। ये जो यहाँ रखे हुए हैं आलमंड केक और कैशोनट केक, ये क्या है? ये बेक्ड रहता है, ये बेक किया हुआ रहता है, इसका बनाने के प्रिपरेशन के बाद इसको बेक होता है। तो मतलब वही काजू का पेस्ट? काजू का पेस्ट ही है ये, बेक्ड है। अच्छा, और ये आलमंड का है? ये आलमंड का है। तो इसमें से एक की हम टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करिए सर। और बताइए आपका क्या रिकमेंडेशन है, क्या खाए? काजू कतली हमारे यहाँ का फेमस है। काजू कतली, चलिए काजू कतली लेते हैं। एक काजू कतली ले रहे हैं तो आलमंड केक ले लेते हैं और एक बालू शाही भी लेते हैं, बालू शाही भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, बालू शाही ले लेते हैं। तो ये नमकीन बालू शाही है, है? हाँ। ये मीठी वाली है, मीठी वाली। ये पका के चाशनी में डाल देते हैं? हाँ, ये चाशनी में डाल देते तो ऐसे है। ये काजू कतली हो गई, आलमंड केक हो गया, शुरुआत किससे करें? किससे? चलो सर, ये पता था रिद्धि सिद्धि का फेवरेट स्टॉप होगा, मीठा बहुत पसंद है रिद्धि सिद्धि को। लीजिए भैया, आप लीजिए। हाँ मैं लेता हूँ, मैं भी पहले काजू कतली खाता हूँ। वाह, मीठा भी बिल्कुल बराबर है ना, क्या बात, बहुत शानदार काजू कतली है। ये आलमंड केक है, तो बिस्किट कितना लग रहा है, खुशबू भी केसर की आ रही है, काफ़ी बढ़िया, और इलायची की। बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत शानदार है, ऐसा लग रहा है कि बादाम का बिस्किट खा रहे हैं। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हाँ, अब बालू शाही टेस्ट करते हो, ये अलग अलग परत है। फैन जो खारी होता है वो और मट्ठी दोनों का मिक्सचर है बालू शाही, एकदम करारा खस्ता, बहुत बढ़िया चीज़ है ये मीठे वाला। तो ये बालू शाही को बना के चाशनी में डाल दिया गया, ऊपर ये चीनी की परत। ऐसे एक डिश हमने खाई थी छत्तीसगढ़ में पापची, उससे मिलती जुलती लग रही है। अब बालू शाही में देखिए आप पूरे देश में जगह जगह कैसे बनाया जाता है, बदल जाता है, हर जगह का तरीका अलग होता है ना, यहाँ का तरीका अलग है। हाँ, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बहुत शुद्ध काम चलता है, कार में बहुत शुद्ध काम चलता है। बहुत लजीज है, उस पर अच्छा खासा मोइन डालते हैं, उसके बाद इसको तलते हैं, आपको घी में चलते हैं। हाँ चलिए, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। ये क्या है? श्रीखंड बड़ी। जैसे श्रीखंड बनता है चक्के से, उस टाइप में उसकी प्रोसीजर है, सिर्फ चक्के में शक्कर मिलाने के बाद में उसको सेकते हैं कढ़ाई में, सेकने के बाद में उसको ठीक उसका टेक्सचर बनाते हैं, ठीक टेक्सचर बनाते हैं, उसके बाद में उसको सुखाने के लिए ट्रे में लगाते हैं जमाने के लिए। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको जैसे अपन घर में नारियल की बड़ी वगैरह जैसे काटते हैं, उसको उस तरह से काटा जाता है, उस तरह से ही बड़ी बनती है। तो टेक्सचर का खोए की बर्फी की तरह है,
नरम एकदम, काफी लजीज है, मीठा बहुत तेज है, काफी खट्टा मीठा डिश। हाँ खट्टा मीठा, चिकन लग रहा है, चिकन जमा चिकन खा रहे हैं, खा रहे, लेकिन मीठा बहुत तेज है। तो मैं अब एक आमखंड का डिब्बा दे दीजिए, ये श्रीखंड ही है लेकिन इसमें आम है। हाँ मैंगो पल, मैंगो पल डालते हैं। चलिए ये हमारे लिए पैक कर दीजिए। ये शेगांव की कचौड़ी है, शेगांव की कचौड़ी है। शेगांव कहाँ पे है? शेगांव सर गजानन महाराज का बहुत अच्छा गांव है, अकोला के पास आता है, बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही अच्छा फेमस है शेगांव। अच्छा, बहुत बड़ी ट्रस्ट है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो लोग। ये दुकान ट्रस्ट की नहीं, ये इनकी खुद की है, नहीं मतलब रहने वाले वहीं के हैं। हाँ नहीं यहीं के है, लेकिन शेगांव जैसे कचौड़ी वहाँ की फेमस है तो उस टाइप में इन्होंने यहाँ चालू किया है ये चीज़। लजीज, ये यवतमाल में शेगांव की कचौड़ी है और ये जो कचौड़ी बनाई जाती है ये बनाई जाती है तुअर दाल और बेसन से, और इसमें सौंफ है और भी कई मसाले हैं, और ऊपर से सींग दाना और हरी मिर्च की चटनी डाली गई है। कचौड़ी बहुत ही शानदार है, बिल्कुल खस्ता है, और आप देखिए कि कचौड़ी की जो स्टफिंग है वो भी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह बदलती जाती है, कहीं पर उड़द दाल की स्टफिंग होती है, कहीं मूँग दाल की स्टफिंग होती है, तो कहीं बेसन की पिट्ठी डाली जाती है, और यहाँ पे तुअर की पैदाइश बहुत होती है तो इसलिए यहाँ पे तुअर की दाल और बेसन मिला के स्टफिंग इसमें की जाती है। एग आप फ्राइए, उसके ऊपर में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, भुना जीरा, और उसके बाद में फिर लहसुन अदरक का तड़का है। बहुत टेस्टी एग फ्राई बनाया, मेरे को भी टेस्टी लगा। कैसा लगता है कच्चा अंडा? तो ये आ गया हमारा साउदी चिकन, साथ में ज्वारी की भाकरी, आंखों से पसीना निकल रहा है, नाक बह रही है, बहुत ही स्पाइसी है, धुएं निकल गए, लेकिन ये जो साउदी चिकन करी है ये एडिक्टिव है।